सो गाइस यार आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। एंड गाइस ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं गलत टाइम पे आ चुका हूँ? ये लोग दोनों महिला लड़ क्यों रही है भाई साहब, क्या हो गया? कोई मुझे समझाएगा? अरे आप लोग दोनों लड़ना बंद कर दीजिए, क्या हो गया क्या हो गया? आप लोग दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हैं? तुम गाड़ी घटिया चलाती हो, तुमको ब्रेक मारने नहीं आता, तुम पैर से ब्रेक मारती हो। अच्छा मैं गाड़ी घटिया चलाती हूँ, तुम गाड़ी घटिया चलाती हो, तुम्हारे गाड़ी सबसे घटिया है, तुम बेवकूफ हो, तुमको गाड़ी चलानी आती नहीं है और तुम मुझे समझा रही हो। मैं अच्छे तरीके से चलाती हूँ, हट जाओ, रास्ते में कौन खड़ा रहता है? अरे यार ये कौन सा नया नौटंकी हो चुका है? आयरन मैन क्या तुम मुझे समझाओगे, ये चल क्या रहा है भाई? फ्रैंकलिन सुबह से ये सब चल रहा है, हम लोग देख देख के परेशान हो चुके हैं। ब्लैक विडो ठोक दिया वंडर वुमन को, अब ये लोग दोनों लड़ाई कर रहे हैं किसकी गाड़ी ज्यादा बेहतर है, किसको गाड़ी ज्यादा अच्छे चलानी आती है। ये लोग दोनों लड़ाई कर रहे हैं, अब बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरा हालत खराब हो रहा है सुबह सुबह। अरे यार मतलब कि एक्सीडेंट हो चुका है, तो पुलिस को बुला लो ना। अरे बुलाया था फ्रैंकलिन, बुलाया था, बट हुआ क्या ना, ये लोग दोनों पुलिस को भी मार के भगा दिए, पता नहीं ये चल क्या रहा है। अरे यार ये लोग दोनों को पूछना पड़ेगा, तुम लोग दोनों शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि विस्तार से कि हुआ क्या था, जल्दी बताओ। अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ, मेरे साथ हुआ है ना। चलो जल्दी से जाके सब्जी ले लेती हूँ, चलो चलो आज तो भिंडी की सब्जी बनाऊंगी। अरे अरे ब्रेक नहीं लग रहा, ब्रेक नहीं लग रहा, हटो। अरे ये तो किसी को ठोक दिया मैंने। अरे पागल तुझे चलाना नहीं आता क्या? ओए मुझे सही से चलाना आता है, मुझे मत सिखाओ। तुझे तो चलाना आता ही नहीं है स्कूटी, बढ़िया स्कूटी चलाने के लिए तुझे कुछ भी नहीं आता। ओए 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 तू ब्लैक विडो की इतनी बेइज्जती नहीं कर सकती। क्यों ना करूँ क्यों ना करूँ, तुमने मुझे ठोक दिया और मैं तुम्हारी बेइज्जती भी ना करूँ, क्यों ना करूँ, तुमने मुझे ठोका ठोका कैसे, अब मैं भी तुम्हें ठोकूंगी। रुको मैं अपनी स्कूटी निकालती हूँ और मैं तुम्हें ठोकूंगी, ले लो, कैसा लगा? उड़ी बाबा अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ देख लेंगे जो करना है कर लो। अरे यार ये तो बहुत ही बड़ी दिक्कत है, मतलब गाइस यार ब्लैक विडो ने भाई यार वंडर वुमन को जाके ठोक दिया और भाई अब ये लोग दोनों लड़ाई कर रहे हैं। अब ये लोग गाइस यार ऐसे तो शांत होने नहीं वाले भाई, कुछ भी करके ये लोग दोनों को शांत कराना ही पड़ेगा, तो वरना भाई विश्व युद्ध चल जाएगा। मतलब ये दोनों ही ताकतवर है और ये दोनों लड़ाई करने लगेंगे। आई लव फ्रैंकलिन, तो मतलब ये है कि हम लोग ये लोग दोनों का कंपटीशन कराएंगे जिस तरीके से हम लोग का हुआ है। हां हां तुम सही समझ रहे हो, जिस तरीके से भाई सुपर हीरो और भाई एवेंजर्स और डीसी के बीचों बीच कंपटीशन हुआ था गाड़ियों का, उसी तरीके गाइस यार ये लोग दोनों के बीचों बीच भी कंपटीशन होगा जिसमें यार जो गाड़ी जीतेगी उसको कहलाया जाएगा नंबर वन गाड़ी और नंबर वन ड्राइवर। तुम लोग दोनों लड़ना बंद कर दो, एंगेजर चलो आ जाओ, चेक करते हैं भाई किसकी गाड़ी कैसी है। भाई साहब ये देखो यार ये तो एक्टिवा है, मतलब गाइस यार ये तो सच में एक्टिवा ही है भाई, इंडियन की सबसे फेवरेट स्कूटी। सो गाइस यार नीचे कमेंट करके बताना कि आप लोगों के पास एक्टिवा है कि नहीं है, भाई मेरे पास तो है और भाई यहाँ पे भी एक्टिवा है, मतलब यार ये एक्टिवा तो ब्लैक विडो का है। चलो यार यहाँ पे एक काम करते हैं, चेक करते हैं भाई वंडर वुमन के पास कौन सी गाड़ी है। तो गाइस यार वंडर वुमन के पास एक भाई बैटरी वाली स्कूटर है जो अभी बहुत ही ज्यादा फेमस हो रही है धीरे धीरे, मतलब सब लोग खरीद रहे हैं बैटरी वाली स्कूटर, तो ये भी बहुत ही कमाल की है। अब गाइस यार ये देखा जाएगा कि ये लोग दोनों के बीच में जो कॉम्पिटिशन होता है उसमें जीतता कौन है। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये लोग दोनों तो लड़ाई के बीच में बीच रुकने नहीं वाली, बट मैं आपको बताता हूँ ना करना क्या होगा, तुम लोग दोनों साफ से सुन लो भाई, ये लोग सुने ना वाली लेडीज लोग का लड़ाई शांत होने वाला है क्या जल्दी। सो गाइस यार मैं ही आपको बता देना चाहता हूँ कि कंपटीशन में क्या क्या होगा। सबसे पहला कंपटीशन भाई यहाँ पे स्पीड टेस्ट होगा, दूसरा कंपटीशन पानी में चेक किया जाएगा, एंड गाइस लास्ट वाला कंपटीशन एक रैंप होगा। तीन कंपटीशन में जो ज्यादा स्कोर करता है उसकी गाड़ी और उसको नंबर वन ड्राइवर का खिताब दिया जाएगा। तो क्या तुम लोग दोनों सुन ली ना? हाँ मैं तो सुन ली, और देखना मैं जीतूंगी देख लेना। हाँ जी कच्चा मैं जीतूंगी देख लेना, जो भी जीतेगा वो तो वक्त ही बताएगा। सो गाइस चलते हैं सबसे पहले चैलेंज की तरफ। सो गाइस यार हम लोग आ चुके अपने पहले राउंड की तरफ, एंड गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं दोनों ही तैयार है अपनी स्कूटी लेकर के, और भाई साहब यहाँ से बस रेस लगाना है और देखना है किसकी स्कूटी की स्पीड ज्यादा है। यहाँ पे भाई डीसी वाले अपने सपोर्ट के लिए और भाई अवेंजर्स वाले अपने सपोर्ट के लिए, तुम लोग दोनों को अच्छे से परफॉर्म करना है और बीच में लड़ाई मत करने लगना, पता चला गाइस यार बीच में ये लोग दोनों उठ करके लड़ाई करने लगे ठीक है। सो गाइस यार यहाँ पे सबसे पहले जाएगी एक्टिवा लेकर के ब्लैक विडो, देखना मैं इतना अच्छा परफॉर्म करूंगी कि इसके मुंह फटी के फटी रह जाएगी देख लेना। देखो मैं निकल पड़ी। अरे यार ये एक्टिवा लेके तो निकल पड़ी है, और इसकी एक्टिवा सच में बहुत ही कमाल की है, मतलब गाइजर हम लोग के पास भी एक्टिवा है और भाई ये सच में लेकिन बहुत स्लो है, मतलब गाइजर 64 65 66, भाई देखते हैं इसकी कितनी स्पीड जाती है। ये तो पूरा अपना दम लगा चुकी है ब्लैक विडो, बट इसकी एक्टिवा ना ज्यादा दूर तक जा नहीं रही है, मुझे लगता ना इसमें हवा की कमी है। ए, कैसे हवा की कमी है, मैं तो भरा के आई थी। मुझे नहीं पता गाइस लग रहा है ना हवा की कमी, नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। सो गाइस इसकी स्पीड है 80, मतलब 100 तो क्रॉस नहीं करी है बट 83,
84 और भाई 85 तक क्रॉस करी जाएगी या 85 मतलब गाइस यार 86 तक चली गई है, ये सही है। 87 90 तक जा पाएगी क्या, नहीं जा पाएगी। 88 एंड गाइस ये 88 तक गई है, मतलब गाइस यार 88 स्कूटी जाना सच में बहुत ही कमाल की बात है। ये स्कूटी सच में बहुत ही दमदार है, एक्टिवा सच में कमाल की है। मैं बोली थी ना मेरी गाड़ी बहुत ही अच्छी है, देखा 88 गई है। वंडर वुमन की स्कूटी जा पाई तब ना, बैटरी वाली स्कूटी है वो तो और नहीं जाएगी। अरे यार ये उसकी बुराई कर रही है, वो इसकी बुराई कर रही है, बट तब भी ये स्कूटी अच्छी है और भाई अच्छी खासी स्पीड गई है, ये तो अच्छी बात है। सो गाइस आप लोगों को ये एक्टिवा कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। अब मेरी बारी, देखो मैं क्या करती हूँ, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, मेरी गाड़ी बहुत अच्छी जाएगी देख लेना। सो गाइस ये भी निकल चुकी है और भाई इसकी भी स्कूटी को ज्यादा तेज भागने रही क्योंकि ये बैटरी वाली है, तब भी यार इसका पिकअप बहुत ही खतरनाक है बैटरी वाली होने के बावजूद। ये भाई 80 भाई ये क्या भाई 86 88 भाई इसने ब्लैक विडो को क्रॉस कर दिया है और भाई ये 96 97 100 क्रॉस होने वाला है, वो भी अभी, मतलब ये तो 100 प्लस चली गई है बैटरी वाली स्कूटी में। इतनी पावर मुझे नहीं पता था क्या यार ये टेस्ला वाली स्कूटी है क्या भाई, इतनी स्पीड भाई 105 इसकी हाई स्पीड है, ये तो कमाल है। मैं बोली थी ना मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, ब्लैक विडो काली कहीं की तुम्हें कुछ पता नहीं है, मेरी गाड़ी ज्यादा बेहतर है देखो, और मुझे तुमसे अच्छी चलानी आती है, देखो मेरी गाड़ी कितनी अच्छी भाग रही है, तुम्हारी गाड़ी तो स्लो है, मेरी गाड़ी बहुत ही फास्ट है। और यार ये तो कमाल की बात है गाइस, आपने देखा भाई यार इसकी गाड़ी तो भाई 105 किलोमीटर पर आवर गई है, मतलब यार ये तो बहुत ही तेज है स्कूटी के मामले में, और ये बैटरी वाली स्कूटी है तब भी यार इतनी तेज है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये खुद ही इलॉन मस्क ने बनाई है ये वाली टेस्ला वाली स्कूटी, तभी तो इतनी फास्ट चल रही है। सो गाइस यहां पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं भाई यार ब्लैक विडो रो रही है और भाई वंडर वुमन भाई हंस रही है और नाच रही है क्योंकि अपनी जीत पे पहला राउंड वंडर वुमन ने जीत लिया है। सो गाइस आपको क्या लगता है आने वाले दो राउंड में कौन ज्यादा स्कोर करता है, पहले राउंड में तो भाई वंडर वुमन ने पॉइंट कर दिया स्कोर और ब्लैक विडो ने एक भी पॉइंट नहीं स्कोर किया है। तुमने जरूर चीटिंग की होगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, चीटिंग चोर कहीं की तुमने चीटिंग की है, ये लो चीटिंग चोर चीटिंग करती है तू। अरे यार ये क्या हो गया भाई, फिर से यहाँ पे लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। अरे यार मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, जल्दी से मैं ये लोग को शांत कराता हूँ और चलते जल्दी जल्दी नेक्स्ट राउंड की तरफ। सो गाइस हम लोग आ चुके अपने सेकंड राउंड की तरफ एंड गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे यहाँ पे पानी है और भाई ये लोग दोनों को अपनी स्कूटी को पानी में चला के दिखाना होगा, मतलब गाइस यार पता चल जाएगा कि किसकी स्कूटी ज्यादा दमदार है और किसकी नहीं। आपको क्या लगता है ये दोनों में से किसकी गाड़ी पानी में चल पाएगी, भाई यार पानी में चलने वाली बात तो कमाल की होने वाली है। तो गाइस यार देखते हैं इस राउंड में। सो गाइस सबसे पहले ये राउंड में स्टार्ट करने वाले वंडर वुमन, तुम अपनी स्कूटी लेकर के पानी में जाओगी, देखना मैं इस बार फिर से जीत जाऊंगी, मुझे क्या पता है, और देखना मैं इस बार जीत करके घर चल जाऊंगी और मेरा गाड़ी सबसे नंबर वन होगा, देखो क्या होता है। अरे ये क्या, मेरी पानी डूब गई, मैं तो डूब गई, बचाओ मुझे बचाओ। अरे यार ये क्या, मतलब गाइस ये जाते के साथ ही ये डूब गई और ये भींग भी गई है। मैं फिर से भींग गई, मुझे अपने कपड़े सुखाना पड़ेगा। अब देखो मैं चलाती हूँ और मैं तुमसे अच्छी चलाऊंगी, मेरी अवेंजर्स वाली एक्टिवा पानी में भी चलेगी देखो। सो गाइस ये भी निकल चुकी है, बट ये क्या गाइस यार इसकी भी स्कूटी पानी में जाने के साथ बंद हो चुकी है और भाई इसकी स्कूटी पानी में बंद होने के बाद ये भी यार तैरने लगी है, भाई मतलब कि एक्टिवा भी पानी में नहीं चल सकती, ये क्या हो गया, मेरी गाड़ी तो पानी में डूब गई, बचाओ, मैं भी भींग गई, मुझे भी अपने बाल को फिर से सुखाना पड़ेगा। ये सब तुम्हारे वजह से हुआ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ये लो तुम्हारे वजह से मैं भींग गई, ये लो। अरे यार यहाँ पे फिर से लड़ाई हो चुकी है, भाई वंडर वुमन ने ब्लैक विडो को मार दिया। यहाँ पे गाइस यार दोनों की दोनों फेल हो चुकी है, मतलब दोनों की दोनों स्कूटी नीचे पानी में जा चुकी है, मतलब गाइस यार कोई भी स्कूटी पानी में चल नहीं सकती, तो ये राउंड तो मतलब कि फ्लॉप ही हो चुका है, हार हो चुका है, मतलब दोनों की हार हो चुका है। अब गाइस यार फैसला होने वाला है आखिरी राउंड में कि कौन जीतता है और कौन हारता है। चलो गाइस यार जल्दी जल्दी चलते हैं लास्ट राउंड की तरफ। तो यार आप लोगों को लग रहा होगा ये इजी चैलेंज होने वाला है क्योंकि यार स्कूटी है, बट नहीं, ये सबसे टफेस्ट चैलेंज होने वाला है, मैं आपको ड्रोन से दिखाता हूँ। तो गाइस यार जैसे ही आप लोग देख पा रहे हैं ये लोगों को अपनी स्कूटी लेकर के यहाँ से ले जाना पड़ेगा, यहाँ पे बूस्ट मिलेगा और यहाँ से भाई सच में बहुत ही बड़ा सा विंड व्हील से होके गुजर करके फिर यहाँ पे आना होगा, फिर यहाँ से फिर एक और जंप होगा भाई, उसके बाद ऊपर जाना है, फिर यहाँ पे इन्हें बूस्ट मिलेगा, फिर यार यहाँ से भाई ये लोग जाएंगे, फिर जाने के बाद फिर से बहुत सारा बूस्ट मिलने वाला है, मतलब यार ये चैलेंज में तो बूस्ट ही बूस्ट है, फिर भाई बड़ा सा विंड व्हील से होने के बाद ये सर्कल के अंदर जाएंगे और सर्कल के अंदर जाने के बाद सो गाइस ये जगह पे उन लोगों को लैंड करना होगा, तो ये इजी टास्क नहीं होने वाला है, बहुत ही हार्ड टास्क होने वाला है, तो देखते हैं ये लोग दोनों में से कौन ये कंप्लीट कर पाता है, जो भी कंप्लीट कर पाएगा उससे कहलाया जाएगा कि उसको बेस्ट स्कूटी चलानी आती है और भाई उसकी स्कूटी बेस्ट है। तो तुम लोग दोनों तैयार हो ना, तो सबसे पहले कौन जाएगा?
हाँ मैं तो तैयार हूँ बट मैं सबसे पहले नहीं जाऊँगी। मैं भी तैयार हूँ बट मैं भी सबसे पहले नहीं जाऊँगी। तो क्या मैं चला जाऊँ? भाई ऐसे दोनों कर रहा हूँ, एक काम करो ब्लैक विडो, तुम तो समझदार हो, तुम तो जा सकती हो, तुम तो इसे ज्यादा समझदार हो ना, चले जाओ चले जाओ। ठीक है फ्रैंकलिन तुम बोल रहे हो तो मैं जा रही हूँ। ठीक है देख लेना मैं ही जीतूंगी। नहीं 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 अब मैं जाऊंगी मैं ज्यादा समझदार हूँ। नहीं मैं जाऊंगी मैं ज्यादा समझदार हूँ। नहीं नहीं मैं जाऊंगी मैं ज्यादा समझदार हूँ। अरे यार अब इन लोग दोनों फिर से झगड़ने लगे, अब कौन जाने वाला है? एक काम करो वंडर वुमन तुम इस बार चले जाओ। हाँ ठीक है देखना मैं जीत के आऊंगी और ये ब्लैक विडो को समझा दूंगी, देखो क्या होता है। चलो फ्रैंकलिन मैं निकलती हूँ, देखो मैं किस तरीके से जीतती हूँ यहाँ पे, सब लोग ऑडियंस लोग देखते रह जाएंगे, देखो मेरी धन्नो निकल पड़ी। सो गाइस इसकी गाड़ी तो निकल पड़ी है। एंड गाइस ये क्या भाई साहब, इसने तो भाई पहला चैलेंज कंप्लीट कर दिया, मतलब पहला पड़ाव ये बहुत ही खतरनाक होता है इसने कंप्लीट कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। भाई सच में ये चैलेंज बहुत ही खतरनाक है। और ये क्या भाई यार, ये तो भाई विंड व्हील से टकरा के नीचे गिर रही है। ए, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, मैं तो नीचे गिर रही हूँ, अब मैं कैसे ऊपर आऊँ? अरे यार मुझे भी नहीं पता कि मैंने नीचे कुछ पैराशूट भी नहीं दिया, ये नीचे गिर जाएगी। अरे काम करो पैराशूट के फिर अपना पावर इस्तेमाल कर लो। ठीक है मैं अपना पावर इस्तेमाल करती हूँ। नीचे गिरी धड़ाम से। अरे गाइजर वंडर वुमन की स्कूटी तो भाई सच में तबाह हो चुकी है नीचे गिरने की वजह से। और सच में ये रैंप चैलेंज तो बहुत ही खतरनाक है, मैंने जैसे सोचा था उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ब्लैक विडो क्या तुम करना चाहती हो ये वाला चैलेंज? इससे तुम्हारी स्कूटी भी डैमेज हो सकती है। नहीं फ्रैंकलिन मैं तो करूंगी, मैं सबको दिखा के रहूंगी कि मैं भी बेस्ट ड्राइवर हूं। हट जाओ सामने से। अच्छा भाई जो तुम्हारी इच्छा वो करो। भाई ये भी अपनी स्कूटी लेकर के निकल चुकी है। भाई इसकी तो एक्टिवा स्कूटी है, अब देखते हैं एक्टिवा क्या मतलब कि एक्टिवा लार्ज रख पाएगा और ये चैलेंज को कंप्लीट कर पाएगा, क्योंकि बैटरी वाली गाड़ी तो हल्की होती है, एक्टिवा थोड़ी भारी भी है। एंड गाइस इसने सच में पहला पड़ाव तो सच में कमाल के तरीके से कंप्लीट कर दिया है, जिस तरीके से वंडर वुमन ने कंप्लीट किया था। भाई असली मजा तो यहाँ पे मतलब विंड व्हील की तरफ है। एंड गाइस इसने ये भी पार कर दिया, ये तो सच में अच्छी बात है। देखते हैं आगे क्या होता है, भाई ये कर पाती कि नहीं कर पाती। आराम से भाई साहब इसने कर दिया। मैं बोली थी ना मैं आराम से कर दूंगी, मुझसे कुछ होगा नहीं, ऐसा हो सकता नहीं है, मैं नंबर वन ड्राइवर हूँ, देख लेना मैं कितनी आसानी से कर लेती हूँ। अरे यार ये तो सच में बहुत ही आसानी से करते जा रही है। चलो चलो मेरी धन्नो चलो, आज तो सच में जीत के दिखाना है। अरे यार इसको तो बूस्ट ना बूस्ट मिलता जा रहा। और भाई मुझे ऐसा लगता है कि भाई एक्टिवा ये रैंप चैलेंज को कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि भाई ये एक्टिवा में बहुत ही दम है। भाई देखो तो यार इतने आगे तक आ चुके, इतने आगे तक तो कोई भी नहीं आया था। तो गाइस आप लोग क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। ये तो गाइस यार इसको तो बूस्ट मिलते ही जा रहा है, मिलते जा रहा है। और देखो यार इसको बूस्ट मिलने की वजह से इसकी स्पीड तो 100 प्लस भी हो चुकी है, इसका मतलब है कि ये सच में बहुत ही स्पीड में चल रही है। सो गाइस यार ये लैंड तो कर जाती है, अब ये आखिरी पड़ाव है। क्या लगता है कि यार ये पड़ाव में क्या ये कंप्लीट कर पाएगा चैलेंज ये अपना स्कूटी? ओ भाई साहब क्या ही एज में लग करके ये स्कूटी यहाँ पे पहुंची है, मतलब ब्लैक विडो सच में तुम तो बहुत ही अच्छा कर रही हो चैलेंज, इसी तरीके से करते रहो। हाँ फ्रैंकलिन देख लेना मैं जीत के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पूरे तरीके से कंप्लीट करूंगी चैलेंज। और यार इसको सच में बहुत ही मजा आ रहा है चैलेंज कंप्लीट करने में। तो अब गाइस यार आखिरी पड़ाव है, यहाँ से भाई वहाँ पे जंप करना है, क्या ये जंप कर पाएगी देखते हैं। भाई मतलब ये सच में बहुत ही खतरनाक है, देख रहे हो जंपिंग चैलेंज। ओ भाई साहब देखो यार, ओ भाई साहब मतलब गाइस यार इसको स्कूटी तो नीचे गिर चुकी है, बट यार फाइनली ब्लैक विडो ने ये रैंप को कंप्लीट कर दिखाया, ये रैंप तो सच में कमाल का है। शुक्रिया शुक्रिया फ्रैंकलिन। सो गाइस यार ये लोग दोनों ने अच्छा प्रदर्शन दिया, दोनों का एक एक पॉइंट हो चुका है, मतलब गाइस यार आप लोगों को पता ही होगा बट भाई इसके बाद में कोई चैलेंज करा ही नहीं सकता क्योंकि दोनों की स्कूटी खराब हो चुकी है। वंडर वुमन की और ब्लैक विडो की दोनों की स्कूटी टूट चुकी है नीचे गिरने की वजह से, तो यार अब चैलेंज होगा ही नहीं होगा। तो तुम लोग दोनों में से कोई भी नंबर वन स्कूटर मतलब स्कूटी ड्राइवर नहीं हो, ये एक्सेप्ट कर लो। सो गाइस आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये लोग दोनों का प्रदर्शन, किसको आप नंबर वन कहते हो और किसको नंबर आप टू कहते हैं। सो गाइस हम लोग इसी तरीके से खतरनाक खतरनाक वीडियो लाते रहते हैं, नीचे कमेंट करके बताना कि किस अवेंजर्स के साथ हम लोग को किसके साथ कंपैरिजन वीडियो करना चाहिए, गाड़ी वाली तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय दोस्तों। We'll be right back.